आप सम्मान समिति के साहब लोग हैं, आप हैं महामंत्री दुबे और ये हैं चौबे अध्यक्ष। नमस्कार। दुबे चौबे जोड़ी तो अच्छी है। बोले क्या लेंगे, चाय कॉफी? कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं, अभी अभी मैंने चाय पी। आप जल्दी से अपनी स्कीम बताइए। आपके दर्जे के हिसाब से कीमत सोचना और आपका सम्मान करना है। हम सबका इसी तरह करते हैं, हमारा काम ही यही है। अच्छा जी हाँ, स्टेज पर लाउडस्पीकर, हॉल में जनता, उनकी तालियां आरंभ से लेकर यानी के वंदे मातरम से जनगण मन अधिनायक तक, ये सारा इंतजाम हम ही करते हैं। आप गाड़ी में बैठ के आइए, फूलमाला पहनिए, सम्मान पत्र लीजिए, फोटो खिंचवाइए और चले जाइए। भाव बताइए। भाव अब देखिए, अगर हम 16,000 रुपए तय कर लें तो मैं आपको दीन विहीन सुधारक की पदवी दे सकता हूं। जी। और बताइए, और बताइए, बताइए और बताइए। जी हाँ, अंग विहीन विकल उधारक लगनी लगती है। कोई अच्छी सी पदवी दीजिए। देखिए बात क्या है, नामकरण संस्कार से लेकर आज तक लोग इनको कृपा शंकर के नाम से जानते हैं। ना आगे कोई पदवी है, ना पीछे कोई स्कूल वगैरह की डिग्री। नहीं, मरने के बाद स्वर्गीय कृपा शंकर वगैरह वगैरह सब बोलेंगे, लेकिन इनको कैसे पता चलेगा, ये तो मर चुके हैं ना। नहीं नहीं, इनको समझाने के लिए कह रहा था, वो पदवी की प्रेरणा। बोलिए आगे क्या है? आगे बोलो। लोक हृदय नायक, बाल पालिका उद्धारक। क्यों, मैं बड़ों का उद्धार नहीं करता क्या? छोड़िए ये सब, मुझे वो दे दीजिए, वो भारत रत्न। वो ये नहीं दे सकते। क्यों, मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ क्या? नहीं नहीं, वो बात नहीं है, भारत रत्न सिर्फ भारत सरकार ही दे सकती है। अरे सरकार नहीं दे रही है, इसीलिए तो इन लोगों से मांग रहा हूँ। पुलिस पकड़ के ले जाएगी। किसको? पदवी देने वाले को। ले जाने दो। नहीं, लेने वाले को भी। ओ, मुझे नहीं चाहिए, जाने दो। नहीं नहीं, अच्छा आपके पास ये लंगड़ी लूली टूटी फूटी छोड़कर कोई पदवी नहीं है क्या? दीन जनार्दन सम्राट। सम्राट